इसका जो सीज़न होता है वो 10 नवंबर से शुरू होता है और फरवरी में एंड होता है। यानी इन महीनों में जो है जितना भी हम क्रॉप हासिल कर सकते हैं तो इतना क्रॉप हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो है फोकस रहता है इन महीनों में कि जितना हमें जो है ब्रूड स्टॉक अवेलेबल होता है किसी भी फॉर्म पे, तो उसको हम पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। हम इसकी देखभाल यहाँ पे करते हैं, इनकी ब्रीडिंग होती है यहाँ पे, सेटरमिंग होती है यहाँ पे। जो फीमेल है वो एग्स देते हैं, जो मेल है वो मतलब वो मिल्क देते हैं, फिर इनको हम ट्रेज में रखते हैं, फिर हैचरी में रखते हैं, फिर इनको अलग अलग स्टेज होता है, ओवस्ट स्टेज, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी डिमांड है बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कश्मीर में पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे बहुत ही इनकी डिमांड बढ़ चुकी है। आप इनकी अब प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुकी है। आप देखिए साउथ कश्मीर में आप जाइए, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गई है वहाँ पे। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इनकी डिमांड कश्मीर वैली में।